हाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक वीडियो को भी कर दें। बने रहें, जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूं अपना मास्टर्स फ्रॉम एनआईडी। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर एडिशनल राउंड तो चल ही रहा है, स्पॉट राउंड क्या होता है, स्पॉट राउंड का क्या सीन है। अब मैं आपको स्पॉट राउंड की ना एक एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। आईआईटीज के स्पॉट राउंड क्या होता है, क्या होता है कि आईआईटीज के स्पॉट राउंड निश्चित नहीं होते हैं, ये परमानेंट नहीं है कि हर साल होंगे और हर आईआईटी का होगा। ये आईआईटीज टू आईआईटीज डिपेंड करता है कि किस आईआईटी का होने वाला है। जैसे जब मैंने काउंसलिंग कराई थी तब आईआईटी बॉम्बे का हुआ था, गुवाहाटी का हुआ था, रुड़की का हुआ था, गोवा का हुआ था, इन चार आईआईटीज का हुआ था स्पॉट राउंड, और बहुत सारी आईआईटीज का नहीं हुआ था क्योंकि उनकी कूप से ऑलरेडी सीट फिल हो गई थी। आईआईटीज को स्पॉट राउंड क्यों कराने पड़ते हैं? आईआईटीज को स्पॉट राउंड इसलिए कराने पड़ते हैं क्योंकि कूप के एडिशनल राउंड के बाद भी बच्चे सीट छोड़ देते हैं तो उनकी काफी सीट्स वैकेंट हो जाती हैं, जिसको वो स्पॉट राउंड की तरफ से फिल करते हैं। चलिए दूसरी चीज, कौन भर सकता है स्पॉट राउंड? स्पॉट राउंड वो लोग नहीं भर सकते हैं जिन्होंने कूप के थ्रू पहले अप्लाई नहीं किया था। देखिए क्या होता है, पहले आपको कोप के लिए किसी आईआईटी में अप्लाई करना पड़ता है जिससे आपका रिजल्ट कोप में आए। अब मानिए आपने सोचा कि यार मेरे तो बहुत कम ग्रेट स्कोर है, मैं कोप के लिए अप्लाई करता ही नहीं हूं। अगर आपने कोप के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप आईआईटीज के कोप राउंड्स खत्म होने के बाद स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल वही लोग होते हैं जिन लोगों ने पर्टिकुलर आईआईटी का फॉर्म पहले भरा हुआ था। चलिए वो लोग तो यहाँ से डिस्कार्ड हो जाते हैं कि अगर आपने आईआईटी का फॉर्म भरा ही नहीं। अब आपको किस ऑर्डर में ब्रांचेस अलॉट की जाएंगी? आईआईटीज में जाने के बाद आपको दोबारा चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाता है कि आप दोबारा ऑप्शन दीजिए, प्रायोरिटीज दीजिए ब्रांच को। आपने जो पहले ही प्रायोरिटी दे रखी है उसी प्रायोरिटी के आधार पर आपको दोबारा सीट अलॉट की जाती है। स्पॉट राउंड में क्या होता है कि जब आप स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई करते हो तो उसके बाद जितने लोगों ने अप्लाई किया होता है उस अप्लाई के बेसिस पर वहां पर एक मेरिट बनती है। मेरिट जो होती है वो ग्रेट स्कोर और कैटेगरी के बेसिस पर होती है। अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ जाएगा। नंबर ऑफ सीट्स भी देखी जाएंगी कि जनरल की है, ओबीसी की है, एससी की है। देखिए बहुत सारे लोग का मेरे पास यूजुअल डाउट आता है कि सर मेरा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है पर मुझे जनरल में सीट दे दी, क्यों दे दी? देखिए क्या होता है, जैसे आपका गेट स्कोर मान लीजिए 720 है और थर्मल के अंदर और डिजाइन में मानिए कि जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है वो 730 गया है और जनरल का कट ऑफ गया है 740, और यहां पर आपका जो थर्मल का कट ऑफ है वो जनरल में 720 गया है और आपका और किसी मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका कट ऑफ जो है वो 710 गया है, तो अब वो आपको ईडब्ल्यूएस सीट क्यों दे? वो आपको जनरल सीट अलॉट कर देते हैं 720 पर। हाँ, आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो और उससे क्या होता है कि ईडब्ल्यूएस की एक सीट वैकेंट हो जाती है, वो फिर 710 वाले बच्चे को ईडब्ल्यूएस की सीट दे देते हैं। फिर अगले राउंड में क्या होगा, देखो डिजाइन का जैसे कट ऑफ गिर गया है ना, डिजाइन में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हो गया 720, तो वो आपको डिजाइन सीट मिल जाएगी क्योंकि डिजाइन को आपने प्रायोरिटी दी है। उसके बाद क्या होगा, आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। उसके बाद आईआईटीज क्या करती है, स्पॉट राउंड के रिजल्ट्स को पब्लिश करती है। यहां पर डायरेक्टली एक ही बार रिजल्ट आता है कि आपको स्पॉट राउंड में ये सीट मिली है, आपको लेना है या नहीं लेना है। आपको लेना होगा तो वो सारी सीट्स वो अलॉट हो जाएंगी, नहीं लेना होगा तो वो सारी सीट डिस्कार्ड हो जाएंगी। तो यहां पर कुछ कुछ क्रंच पॉइंट आपके निकल कर आए होंगे कि सबसे पहली बात, आईआईटी का फॉर्म आपने पहले ही भरा होना चाहिए, स्पॉट राउंड के लिए कोई अलग फॉर्म फिल नहीं होता। फिल होता है लेकिन उसके लिए बस फी पेमेंट करना होता है, लेकिन उसी फॉर्म के नंबर को वो लोग कंसीडर करते हैं। दूसरी चीज, ब्रांच प्रायोरिटीज भी पहले से ही सिलेक्टेड होती है, आपको ब्रांच प्रायोरिटी दोबारा नहीं देनी होती है। तीसरी चीज, मेरिट लिस्ट के आधार पर बनेगा और डायरेक्टली आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑफर मिलेगा। तो पिछले साल मैंने जो देखा था वो रुड़की ने कराया था, गोवा ने कराया था। रुड़की ने 2000 रुपए चार्ज किए थे स्पॉट राउंड के लिए, बॉम्बे ने कराया था, गुवाहाटी ने कराया था, तो आईआईटीज ने अपने स्पॉट राउंड कंडक्ट कराए थे। तो ये कोई कंफर्म नहीं होता कि हर आईआईटी अपना स्पॉट राउंड कंडक्ट कराएगी, तो इस होप में मत बैठे रहिएगा कि आईआईटीज में स्पॉट राउंड होंगे। आज का जो वीडियो था स्पॉट राउंड के ऊपर वो इतना ही था। बस मैं आपको ये बोलूंगा, आपको अगर सीट्स अलॉट हो रही है एमटेक काउंसलिंग के दौरान तो आप क्या करिए, हमारे चैनल पर एमटेक स्टूडेंट लाइफ है, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है, कट ऑफ एनालिसिस, उनको फॉलो करिए। साथ साथ हमारे फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कोई भी डाउट हो स्पॉट राउंड से रिलेटेड तो आप हम लोगों से इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक भी सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है।
और आपको हमसे प्रोफेशनल मतलब जुड़ना है आगे के लिए लाइफ के लिए, तो आप लोग हमारे लिंक्डइन अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक्डइन की आईडीज भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। डाउट हो कभी भी हो बिल्कुल हम लोग आपके लिए हमेशा बैठे हैं। बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए सिद्धार्थ लाइफ सिद्धार्थ शुक्ला के साथ।